भगवान शिव के बारे में बहुत सारे प्रश्न अक्सर लोग पूछा करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में शिवजी के बारे में, विशेषकर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, शिवजी के बारे में, उनके गुणों के बारे में क्या लिखा गया है, आज उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शिवजी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। श्रील प्रभुपाद जी इसकी रक्षा करते हुए कहते हैं कि शिवजी के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। प्रायः क्या होता है इस संसार में देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, लोग भगवान में और देवता में अंतर नहीं समझते, उन्हें अक्सर एक समझते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि भगवान के नाम के अंदर सबका नाम आ जाता है। अलग से देवताओं का नाम जपने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक दृष्टि से शिवजी क्या है, साक्षात भगवान है, परंतु दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वे भगवान के भक्त है और परम वैष्णव है। देखिए, किसी 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 समय में क्या होता है कि स्वयं भगवान विष्णु ही स्वयं भगवान नारायण ही शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं, और किसी किसी समय में विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। अब शिला कृष्णास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि जब भगवान स्वयं उस पद पर अपने को विस्तारित करते हैं तब उन्हीं को सदाशिव कहा जाता है। उनमें और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन भगवान विष्णु जब किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी से विशिष्ट जीव को उसमें आवेशित हो जाते हैं, उनका शक्त्यावेश होता है, अर्थात किसी विशिष्ट जीव में भगवान संहार करने की शक्ति देते हैं, तो उन्हें शिव या रुद्र कहते हैं। श्रीपद मध्वाचार्य भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगर शिवजी के पद पर कोई जीव है तो वह कोई साधारण जीव नहीं है, कई प्रकार के ऐसे जीव भी है जिनमें भगवतीय गुण बहुत है। देखिए, जीव जीव में भी बहुत अंतर होता है। शिवजी इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें जीव भी नहीं कह सकते और भगवान भी नहीं कह सकते। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है कि माया संग विकार रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व नाहे नाहे कृष्ण स्वरूप। यह भगवान और जीव के मध्य की दशा है, लेकिन शिवजी को जीव कहना यह बहुत बड़ा अपराध है। अतः शिवजी का उतना ही आदर होना चाहिए जितना भगवान का होता है। उनके लिए कभी भी हृदय में हीन भावना नहीं होनी चाहिए। शास्त्रकार हमें सावधान कर रहे हैं। क्या करते हैं शास्त्रकार, क्या कहते हैं कि शिवजी को भगवान समझ ले यह अपराध नहीं है, लेकिन शिवजी को अगर हीन समझे तो यह अपराध है। तो यदि कोई किसी व्यक्ति को साधारण व्यक्ति को ज्यादा आदर दे दे, ज्यादा सम्मान दे दे, तो क्या वो अपराध है? नहीं। लेकिन आदर देने योग्य व्यक्ति को आदर न देना यह अपराध है। जो भगवान के स्वरूप, गुण, धर्म आदि की व्याख्या की जा रही है, जो भगवान की कीर्ति रेश को गाया जा रहा है, उस समय हमें शिवजी के तत्व को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि शिवजी भगवान के सेवक है। पद्म पुराण में शास्त्रकार कहते हैं कि शिवजी के नाम को भगवान विष्णु के नाम से भिन्न समझना यह अपराध है। हम भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, महाभागवत है, ऐसे शिवजी का कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाम जप अपना फल नहीं देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा एक ही मानकर करे। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे घर में आने वाली बहू के लिए परिवार के सभी सदस्य, सास ससुर है आदि है, ये सभी आदर नहीं होते, लेकिन पति के साथ जो उसका जो व्यवहार होगा वह किसी के साथ नहीं हो सकता। वैसे ही भगवान से जीव का जो संबंध है वह अन्य किसी देवताओं के साथ नहीं हो सकता। आराध्य तो भगवान कृष्ण ही है, शिवजी भी परम आदरणीय है, लेकिन आराध्य नहीं है। ठीक है, भगवान शिव के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए, उनके मंदिरों में जाना स्वाभाविक होना चाहिए। जाना चाहिए मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जल चढ़ाकर
उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें भगवत भक्ति प्रदान करें। अगर भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए तो वह सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने मार्कंडेय जी को भगवान की भक्ति दी है, प्रचेताओं को दी है, लेकिन जब जीव भगवान शिव को ही परम मानकर उनसे धन आदि की कामना करता है तब उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। भगवान शिव तमोगुण के अधिकारी है, जगत के प्रलय करता है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से उनकी पूजा करता है, उनको सब कुछ मानकर उनका भजन करता है तब उसकी शुद्धि बहुत कठिन है। ठीक है, शिव जी को गुरु मानकर, परम भागवत मानकर उनसे कोई सहायता मांगता है तब वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, भगवान के भक्तों में प्रधान हैं, इसीलिए उनसे भक्ति का ही वर मांगना चाहिए। एक बार की घटना है, गिरिराज गोवर्धन में एक मानसी गंगा के पास में चक्रेश्वर महादेव जी का स्थान है। चक्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आज भी यदि आप गिरिराज परिक्रमा करने आएंगे तो गिरिराज परिक्रमा में मानसी गंगा से जो मानसी गंगा आएंगे वहां पर किसी से भी पूछ लेना चाहिए कि चक्रेश्वर महादेव का है, तो वो आपको रास्ता बता देंगे। तो ये उसी स्थान की घटना है कि एक बार सनातन गोस्वामी जी चक्रेश्वर मानसी गंगा के स्थान को छोड़कर जा रहे थे तो वहां बहुत मच्छर काट रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे गोवर्धन में नहीं रहेंगे। तो भगवान शिव स्वप्न में आकर कहे कि अगर आप यहां चले जाएंगे तो मुझे बहुत बड़ी उदासी होगी, क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत सारे ग्रंथ लिखते थे और शिवजी उस ग्रंथों को जो सुना करते थे उनको बड़ा आनंद आता था। तो शिवजी कहते कि अगर आप चले जाएंगे यहां से तो मुझे बड़ी उदासी होगी, क्योंकि भगवान के गुण रूप लीला आदि को आप सुन रहे लिख रहे हैं, तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं मुझे आपकी श्रीमुख से भगवत कथामृत सुनने का पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप यहां से चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। इस पर सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि प्रभु यहां पर तो बहुत मच्छर है, मुझे मच्छर काटते मेरे सेवा में बाधा हो रही है, तो मैं क्या करूं। तो भगवान शिव ने कहा अब यहां एक भी मच्छर नहीं रहेगा, उस स्थान पर आज भी मच्छर नहीं होते हैं। शिव जी वैष्णव से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी अवज्ञा कभी नहीं होनी चाहिए।